हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है गति से, ठीक है। तो पीछे वाला क्लास में आप लोगों को विस्थापन और दूरी के बारे में समझा चुके थे, तो आप यहाँ पे आइए चाल और वेग में, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा चाल और वेग से। तो यहाँ पे सबसे पहले जाने कि चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल का डेफिनेशन जो होगा कि एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर जो फॉर्मूला क्या होगा, एकांक समय में आप जैसे यहाँ पे चल रहे, ठीक है, आप अगर चलने का क्रिया जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ से एक दिशा में कोई भी दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा क्या होता है, समय, ठीक है। तो यहाँ चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, समय। तो यहाँ पे देखिए इसका एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं हम, एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो चाल का एसआई मात्रक क्या बना, मीटर पर सेकेंड। और चाल एक क्या है, एक अदिश राशि हो गया, ठीक है, एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चाल के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए वेग किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए एकांक समय में किसी भी दिशा में था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एकांक समय में एक निश्चित दिशा, वो क्या करेगा, वो एक निश्चित दिशा में वो तय करेगा दूरी, ठीक है। एकांक समय में, समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग का जो फार्मूला क्या होगा, वेग का भी वही फार्मूला बनता है, ठीक है। यहाँ पे दूरी और बाई में समय होता है, इसका भी एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या सिर्फ यहाँ पे जो चाल, वो चाल से जो चलेगा वो जैसे तैसे होकर के वो चलेगा, और ये वेग जो क्या करेगा, वो निश्चित वेग से, मतलब एक ही दिशा में हो जाएगा, और इसका दिशा जो होगा अनिश्चित होगा, ठीक है। जो अनिश्चित दिशा से जो चल करके वो जाता है, जो अनिश्चित दिशा से वो चल के वो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। जो एक ही दिशा से वो चल के जाता है, उसको क्या कहते हैं, वेग, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, वेग एक, मतलब चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि होता है, ठीक है। ये क्या है, एक सदिश राशि है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेग एक क्या है, सदिश राशि है, और चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर भी दूरी बट्टा समय होता है, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज का मेरा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।